स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवणकर का जन्म 27 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ। 1913 में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के मानव सचिव और 1916 में गुजरात सभा के सचिव बने। 1919 में पहली बार अहमदाबाद नगर पालिका के लिए चुने गए। मालवणकर असहयोग आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए। भारत के संविधान को अपनाने के साथ 26 नवंबर 1939 को संविधान सभा का नामकरण अस्थायी संसद में बदल दिया गया था। मालवणकर 26 नवंबर 1939 को अस्थायी संसद के अध्यक्ष बने और 1952 में पहली लोकसभा के गठन तक पद पर बने रहे। 15 मई 1952 को स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव के बाद पहली लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए।